तो नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। और आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि ई श्रम कार्ड दोबारा फिर से आप डाउनलोड कैसे करेंगे। आपने ऑनलाइन आवेदन कर दिया है और आपने उसका डाउनलोड भी पीडीएफ करके रखा था, लेकिन खो गया नहीं है आपके पास, यानी कि एक शब्द में बोले आपको फिर से जो है दोबारा डाउनलोड करना है। तो इसके लिए क्या करना है, इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जैसे ही उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका ये वाला साइट ओपन हो जाएगा, ई श्रम कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट जो आपका ओपन हो जाएगा। आपको फिर से डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, आपको इस वाले ऑप्शन में यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा। पहला एक ऑप्शन देखिए कि ई श्रम पर अगर आप नया बनाना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप नया बना सकते हैं। अगर आपको कुछ अपडेट करना है, कुछ गलतियाँ हो गया, कुछ अपडेट करना है या आपको डाउनलोड करना है, तो अपडेट करें के ऊपर पर आपको क्लिक करना होगा। अगर अभी तक आपने ई श्रम कार्ड नहीं बनाया है तो बना लीजिए, लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो भी मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा, वहाँ से देख करके आप बहुत ही आसान तरीके से अपने मोबाइल से जो है ई श्रम कार्ड बना सकते हैं बिना एक भी रुपया खर्च किए। तो अपडेट के ऊपर पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो आपसे जो है डिटेल मांगा जाए, डिटेल में कुछ नहीं, बस आपका जो है आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर ऐड है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे आपको देना है, ठीक ना। उसके बाद इंटर कैप्चर, ये वाला कैप्चर को इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे सिलेक्ट करना है। चलिए हम इसको भरते हैं, फिर देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आपकी ओटीपी के लिए ऑप्शन आ चुका है, ऊपर में देखते हैं अभी ओटीपी भी आ गया है, तो ओटीपी देखते हैं कितना आया है और ओटीपी को फिर वहाँ पे हम दर्ज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है 06-12-68, तो चलिए हम यहाँ पे जो है इसको फटाफट यहाँ से भर देते हैं 06-12-68 को। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 06-12-68, उसके बाद फिर सबमिट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हैं। सबमिट के ऊपर पे क्लिक करने के बाद फिर से जो आपको यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर मांगेगा, यानी कि इसमें भी चार ठो, इसमें भी चार ठो, इसमें भी चार, यानी चार या 12 अंक का जो नंबर होता है, चार चार करके ऐसे देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, ओटीपी के ऊपर पे यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद फिर इस कैप्चर को यहाँ पे आपको भरना है, उसके बाद फिर यहाँ पे सबमिट के ऊपर पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे आप सब देख सकते हैं ऊपर का डिटेल मैंने भर दिया है और ओटीपी पे सिलेक्ट करने के बाद फिर से यहाँ पे सबमिट के ऊपर पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आपके मोबाइल में एक ओटीपी आएगा जो कि आधार नंबर का जो अंतिम यहाँ पे आपका दिखाएगा, मोबाइल नंबर 0166 है, तो फिर से आपके मोबाइल में आएगा, उस ओटीपी को फिर से यहाँ पे आपको दर्ज करना। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आ गया फिर से ओटीपी, तो यहाँ पे फिर से हम ले लेते हैं, जैसे 88-60-69 है तो 88-60-69 यहाँ पे हम इसको दे देते हैं 88-60-69। उसके बाद फिर से अवेलेबिलिटी के ऊपर पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका आ गया अपडेट eKYC, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, आप डाउनलोड करना है, यहाँ पे आपका सारा डिटेल आ जाएगा, कुछ इस तरीका से आ गया है, जैसे कि यहाँ पे आप सब देख सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है, कुछ अपडेट करना है, तो यहीं से आप कर पाएंगे। यहाँ अपडेट eKYC की इंफॉर्मेशन के ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक ना। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप डाउनलोड करेंगे। अगर कोई चीज़ आपका गलती हो गया है, सुधार करना है, तो इस वाले ऑप्शन से आप सुधार कर सकते हैं। अगर कोई आपको दोबारा फिर से डाउनलोड करना है, जिसको बोलते हैं ई श्रम कार्ड, जिसका शॉर्ट नाम होता है UAN कार्ड, यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर आप सब देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ई श्रम कार्ड मेरा आ चुका है, तो इसको जो कुछ ज़रूरी डिटेल्स को हमने छुपा दिया है। इसको डाउनलोड करने के लिए देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, आपको डाउनलोड करने वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, तो इसी वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपका क्या होगा, आपके फाइल में डाउनलोड हो जाएगा, इसी के ऊपर पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे कि ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए आ गया ऑप्शन कि UAN कार्ड PDF डाउनलोड यानी कि कम्प्लीट हो चुका है, ठीक ना। तो इस तरीका से ये डाउनलोड वाला ऑप्शन भी आपको यहाँ पर सामने में आ जाएगा, डाउनलोड के ऊपर पे क्लिक करना है और ये आपका देखिए PDF भी यहाँ पे मेरा ओपन हो गया, कुछ इस तरीका से आपको दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कुछ इस तरीका से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। हमने यहाँ पे कुछ ज़रूरी डिटेल्स को क्या कर दिया है, छुपा दिया है ताकि सभी के साथ शेयर ना हो। तो उम्मीद करूँगा कि यह वीडियो ज़रूर आप सभी को पसंद आया होगा।